हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान माला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संसाधनों का अर्थ, परिभाषा एवं निर्माणकारी तत्व है। पार्ट फर्स्ट, संसाधनों का अर्थ। मानव पृथ्वी पर सर्वोत्तम विकसित जीव है। मानव को शरीर को क्रियाशील रखने के लिए भोजन की आवश्यकता, जलवायु एवं समाज के कारण वस्त्रों की आवश्यकता तथा सुरक्षा के लिए आवास की आवश्यकता होती है। मानव इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक तत्वों का उपयोग, संघर्ष एवं समायोजन करता हुआ नए नए भूदृश्यों का निर्माण करता है। अतः ऐसे सभी नए पुराने तत्व जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें संसाधन अथवा रिसोर्स कहते हैं। शब्द उत्पत्ति के अनुसार संसाधन का अंग्रेजी रूपांतरण रिसोर्स शब्द दो शब्दों री प्लस सोर्स को से मिलकर बना है, जिसमें री का अर्थ दीर्घ अवधि तथा सोर्स का अर्थ साधन होता है। इस प्रकार संसाधन वे स्रोत होते हैं जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहता है। कोई भी वस्तु, पदार्थ या तत्व उसी दशा में संसाधन होते हैं जब उनमें मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने, कार्य सिद्ध करने एवं लाभ प्रदान करने की क्षमता होती है। इस दृष्टि से स्वयं मानव भी एक संसाधन होता है जो अपने ज्ञान और सामर्थ्य के कारण समस्त संसाधनों में सर्वोपरि होते हुए प्राकृतिक तत्वों को अपने उपयोग लायक अर्थात संसाधन बनाता है। जिमरमैन ने संसाधन का अर्थ स्पष्ट करते हुए तीन तत्वों को महत्व दिया, जिनमें प्रथम वह वस्तु जिस पर मनुष्य आश्रित हो, द्वितीय वह वस्तु जिससे मनुष्य की इच्छा पूर्ति होती हो तथा तृतीय मानव द्वारा अवसर का लाभ उठाने के लिए उसकी शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता हो। इस प्रकार मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि प्रकृति में मौजूद ऐसे हजारों तत्व या पदार्थ जो मनुष्य की जरूरतों को पूरा करते हैं अथवा मनुष्य उनको अपने उपयोग लायक बनाता लेता है, उन्हीं को संसाधन कहा जाता है। संसाधनों की परिभाषा। जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं और उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। मैकनॉल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और जरूरत इच्छाओं की पूर्ति करता है। स्मिथ एवं फिलिप्स के अनुसार मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से संसाधनों की एक सर्वमान्य परिभाषा यह है कि संसाधन मानव द्वारा आकलित एवं भरोसा किया हुआ किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण अथवा कार्य अथवा संक्रिया है जो मानव की परिसंपत्ति अर्थात असेट्स बन जाता है। संसाधनों के अर्थ की अवधारणा। चूंकि संसाधन वही होते हैं जिनसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति अंशतः अथवा पूर्णतः होती है, इस प्रकार मानव तथा संसाधनों में पारस्परिक संबंध पाया जाता है। पर्यावरण में हजारों प्राकृतिक तत्वों का भंडार होता है, किंतु ये सभी तत्व तभी संसाधन बन पाते हैं जब इनका सहयोग मानवीय विशेषताओं, ज्ञान, राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन तथा उसकी उपयोग क्षमता से होता है। मनुष्य की भौतिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक क्षमता के आधार पर संसाधनों का स्वरूप निर्धारित होता है। मनुष्य की शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता, अभिरुचि, ज्ञान संगठन, आर्थिक उन्नति, राजनीतिक स्थायित्व इत्यादि स्वयं में संसाधन होते हैं जो मानव की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति
और उन्नति में सहयोग देते हैं। संसाधनों की सत्ता, एग्जिस्टेंस ऑफ रिसोर्स, मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है। इसलिए संसाधनों की सत्ता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ संसाधन, सब्जेक्टिव रिसोर्सेज। ये संसाधन दो तरह से कार्य करते हैं, सकारात्मक कार्यों में मानव अवसर का लाभ उठाता है, नकारात्मक कार्यों में व्यक्ति बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। दूसरा, बाह्य अथवा वस्तुनिष्ठ संसाधन, ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेज। संसाधन का अभिप्राय किसी वस्तु या पदार्थ से नहीं होता है, बल्कि वस्तु या पदार्थ द्वारा किए गए कार्य, फंक्शन अथवा संक्रिया, ऑपरेशन से होता है। इस प्रकार कोई भी वस्तु मानव की आवश्यकताएं पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने के कार्य द्वारा संसाधन बनती है। जैसे पूर्व ऐतिहासिक काल में मानव को भूमि में दबे खनिजों की जानकारी नहीं थी, उसके लिए वे संसाधन नहीं थे, जबकि आधुनिक मानव के लिए ये खनिज ही बड़े लाभकारी पदार्थ हैं, जो अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य करने के कारण संसाधन है। किसी भी वस्तु या पदार्थ की कार्य करने की क्षमता समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे समय के अनुसार लगभग 4 दशक पूर्व तक दामोदर नदी को बंगाल का शोक एवं हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता था, किंतु राजनीतिक सामाजिक दशाओं के फलस्वरूप ये दोनों नदियां वर्तमान में जल विद्युत, सिंचाई, नौ परिवहन, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना इत्यादि के कारण महत्वपूर्ण संसाधन बन गई हैं। जैसे स्थान के अनुसार अमेरिका में तकनीकी उन्नति के कारण नियाग्रा जलप्रपात द्वारा टरबाइनों के माध्यम से बड़ी मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, इसलिए नियाग्रा प्रपात एक संसाधन है, जबकि अफ्रीका में निम्न सामाजिक आर्थिक दशाओं के कारण स्टैनली जलप्रपात द्वारा उच्च उत्पादन क्षमता होते हुए भी पर्याप्त मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा सका है, इसलिए स्टैनली प्रपात अब भी संसाधन नहीं है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संसाधन बनने के लिए किसी भी वस्तु में दो गुणों का होना आवश्यक है, पहला उपयोगिता यूटिलिटी, दूसरा कार्यात्मकता फंक्शनेबिलिटी। निष्कर्ष रूप से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जिन पदार्थों, ऊर्जा, मानव तथा मनुष्यों द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों अर्थात संस्कृति का प्रयोग किया जाता है, उन्हें संसाधन कहते हैं। अतः प्रकृति, नेचर, मानव, ह्यूमन और संस्कृति, कल्चर, तीनों की पारस्परिक क्रियाओं द्वारा ही संसाधनों का निर्माण होता है। जैसे भूमि पर कृषि के अलावा अन्य कार्यों के कारण भूमि संसाधन, मिट्टी की उर्वरता पर कृषि एवं वनस्पति के कारण मिट्टी संसाधन, जल का सिंचाई, पेयजल एवं नौ परिवहन के कारण जल संसाधन, वनों से प्राप्त सामग्री का विभिन्न कार्यों में उपयोग के कारण वन संसाधन, उत्पादन में मानवीय श्रम शक्ति के कारण मानव संसाधन, कोयला, पेट्रोल, गैस, जल विद्युत द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने के कारण शक्ति के संसाधन।